सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल को, साथ में बेल आइकॉन भी दबाएं, जिससे मेरे चैनल पर हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमत्कारी उपायों के वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे 28 मार्च के पंचांग, राशिफल और महा उपाय के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पंचांग की। विक्रम संवत 2077, मास चल रहा है चैत्र का, तिथि शुक्ल पक्ष की चतुर्थी की तिथि है, शनिवार का दिन है, नक्षत्र है भरणी, योग है विषकुंभ और करण है वाणिज्य। और व्रत पर्व त्यौहार की बात करते हैं तो वरद चतुर्थी का पर्व आज मनाया जा रहा है। तो ये तो बात रही आज के पंचांग की, अब चर्चा करते हैं राशिफल की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए कोई अप्रिय सूचना आज आपको मानसिक अस्थिरता दे, ऐसी स्थिति आपके लिए बनती है। तो इस तरीके की किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करना आपके लिए कल्याणकारी होगा। परिवार में बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ग्रहण करें, कार्य की रुकावट से आप तनावग्रस्त न हों। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए नौकरी में सहकर्मियों के व्यवहार से आज आपको दिक्कत हो सकती है। ओम प्रभवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भोजन ग्रहण न करें। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए प्रेम संबंधों के लिए विपरीत समय दिखाई देता है। वाहन का प्रयोग बहुत सावधानी से करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए और मानसिक तनाव लेने से आप बचिए। कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज बिना मतलब की व्यर्थ की यात्राएं बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। ये यात्राएं नुकसान भी कराएंगी, थकान भरी भी होंगी। ओम संभवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और अन्न का अनादर अपमान करने से बचना चाहिए। सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए प्रेम संबंधों में भाग्य का सहयोग रहने वाला है। नियमित रूप से व्यायाम करें, पारिवारिक जिम्मेदारी से मुख न मोड़ें और गणेश चतुर्थी का पाठ आप जरूर करें। कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए समस्याओं के समाधान के अवसर आज आपको मिलेंगे। अपने क्रोध को नियंत्रित रखना होगा और देवी अथर्वशीर्ष का पाठ करना चाहिए। जल्दीबाजी में आप निर्णय मत करिए। तुला राशि। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आय के स्रोत एक से अधिक हो सकते हैं। ओम निधये अव्ययाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें, कड़वे बोल बोलने से बचना चाहिए। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए कार्यक्षेत्र में उतार चढ़ाव रहने वाला है। ओम प्रभवे नमः मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। मादक पदार्थों के सेवन से आपको परहेज करना चाहिए। धनुराशि। धनुराशि वाले जातक लोगों के लिए मांगलिक उत्सवों में, आयोजनों में शामिल होने का अवसर आपको मिलेगा। अपने पिता और बुजुर्गों के, परिवार के बुजुर्गों का सम्मान आपको करना चाहिए, आदर करना चाहिए और साथ ही साथ शनि चालीसा का पाठ आज आपको जरूर करना चाहिए। नीले रंग के वस्त्रों के प्रयोग से आप दूर रहिए। मकर राशि। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए सामाजिक कार्यों में रुचि ले पाएंगे। ओम भवनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। संपत्ति या उसके अलावा अन्यथा कहीं निवेश की योजना हो तो उससे आपको बचना चाहिए। कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए रचनात्मक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। खान पान में सावधानी रखना होगा, गलत तरीके से धन कमाने के चक्कर में आप मत पड़िए। भगवान बटुक भैरव की पूजा आराधना आपके लिए कल्याणकारी रहने वाली है। मीन राशि। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए संचय की बात आज बन पाएगी। जो अभी तक आप रुपए पैसे को सेव करने के लिए, बचाने के लिए परेशान थे, अब वो धीरे धीरे संचित होना शुरू होगा। ओम भतने नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और दूसरों के वाद विवाद में आप हस्तक्षेप बिल्कुल भी ना करें। तो दोस्तों, ये तो बात रही आज के 12 राशि की। हम लोगों ने जाना ग्रह नक्षत्र की स्थितियां क्या कहती हैं और दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे आज के महा उपाय की, जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं कि नवरात्रि में देवी कृपा प्राप्त करने के लिए कौन कौन से सरल प्रयोग आप घर बैठे करके लाभ ले सकते हैं। आइए जानते हैं। शक्ति के लिए देवी की आराधना की सुगमता का कारण माता की करुणा, दया, स्नेह का भाव किसी भी भक्त पर सहज ही हो जाता है। या कभी भी अपने बच्चे या किसी भक्त को किसी भी तरह से अक्षम या दुखी नहीं देख सकती। उनका आशीर्वाद भी इस तरीके से मिलता है जिससे साधक को किसी अन्य की सहायता की आवश्यकता पड़ती ही नहीं। फिर उसके बाद वह स्वयं सर्वशक्तिमान हो जाता है। माता की प्रसन्नता के लिए कभी भी उपासना की जा सकती है, क्योंकि शास्त्राज्ञा में चंडी हवन के लिए किसी भी मुहूर्त की अनिवार्यता नहीं है। नवरात्र में इस आराधना का विशेष महत्व है। इस समय के तप का फल कई गुना और शीघ्र ही मिलता है। इस फल के कारण ही इसे कामदुधा काल भी कहा जाता है। देवी या देवता की प्रसन्नता के लिए पंचांग साधन का प्रयोग करना चाहिए। पंचांग साधन में पटल, पद्धति, कवच, सहस्त्रनाम और स्रोत हैं। पटल का शरीर, पद्धति को सिर, कवच को नेत्र, सहस्त्रनाम को मुख और स्रोत को जिह्वा कहा जाता है। इन सब की साधना से साधक देवी तुल्य
स्वयं हो जाता है। सहस्त्रनाम में देवी के 1000 नामों की सूची है, इनमें उनके गुण और कार्य के अनुसार नाम दिए गए हैं। सहस्त्रनाम का पाठ करने का फल भी बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया। इन नामों से हवन करने का भी विधान है। इसके अंतर्गत नाम के पश्चात नमः लगा करके, स्वाहा लगा करके आप हवन कर सकते हैं। हवन की सामग्री के अनुसार उस फल की प्राप्ति होती है। सर्व कल्याण और कामना की पूर्ति हेतु इन नामों से अर्चन करने का प्रयोग अत्यधिक प्रभावशाली है, जिसे सहस्त्रार्चन के नाम से जाना जाता है। सहस्त्रार्चन के लिए देवी की सहस्त्र नामावली, जो कि बाजार में बहुत आसानी से पूजा पाठ की दुकानों में जो देवी की पुस्तक होती है उसमें मिल जाती है, उसकी आवश्यकता आपको पड़ेगी, तो सहस्त्र नामावली जो पुस्तक है देवी की वो आप ले लीजिएगा। इस नामावली के एक एक नाम का उच्चारण करके देवी की प्रतिमा पर, उनके चित्र पर या उनके यंत्र पर, देवी का आवाहन किए हुए किसी सुपारी पर प्रत्येक नाम के उच्चारण के पश्चात नमः बोल करके भी देवी की प्रिय वस्तु आप चढ़ा सकते हैं। जिस वस्तु से अर्चन करना हो वह शुद्ध, पवित्र, दोष रहित और 1000 होना चाहिए। अर्चन में बिल्व पत्र, हल्दी, केसर या कुमकुम से रंगे हुए चावल, इलायची, लौंग, मेवे में काजू, पिस्ता, बादाम, गुलाब के फूल की पंखुड़ियाँ, मोगरे के फूल की पंखुड़ियाँ, चरौली, किशमिश, सिक्के आदि का प्रयोग शुभ और देवी को प्रिय है। यदि अर्चन एक से अधिक व्यक्ति एक साथ कर रहे हों तो नाम का उच्चारण एक व्यक्ति को तथा अन्य व्यक्तियों को नमः का उच्चारण अवश्य करना चाहिए। अर्चन की सामग्री प्रत्येक नाम के पश्चात प्रत्येक व्यक्ति को समर्पित करनी चाहिए। अर्चन के पूर्व पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य से देवी की पूजा आराधना करनी चाहिए। दीपक इस तरह होना चाहिए कि पूरी अर्चन प्रक्रिया तक वह प्रज्वलित जागृत रहे। अर्चनकर्ता को स्नान आदि से शुद्ध होकर के, स्वच्छ वस्त्र धारण करके, मौन रह करके देवी की पूजा आराधना करनी चाहिए। इस साधन काल में आसन पर बैठना चाहिए। लाल आसन का प्रयोग करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर होता है तथा पूर्ण होने के पूर्व उसका त्याग किसी भी स्थिति में नहीं करना चाहिए। यानी जब आप एक बार आसन पर बैठ गए तो वो पूरी पूजा आराधना पूरा करके ही आपको आसन से उठना चाहिए। अर्चन के उपयोग में प्रयुक्त सामग्री अर्चन उपरांत किसी साधन, ब्राह्मण या मंदिर में दान दे देनी चाहिए। कुमकुम से भी अर्चन किया जा सकता है। इसमें नमः के पश्चात बहुत थोड़ा सा कुमकुम देवी पर अनामिका और मध्यमा उंगली और अंगूठे का उपयोग करके आप चुटकी से चढ़ा सकते हैं। बाद में उस कुमकुम से स्वयं को या परिवार के लोगों को, मित्रों को तिलक के लिए प्रसाद के रूप में आप दे भी सकते हैं। सहस्त्रार्चन के बाद नवरात्र काल में एक बार कम से कम अवश्य ये उपाय करना चाहिए। इस अर्चन से आपके इस अर्चन से देवी जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी ही प्रसन्न हो जाती हैं और ये अर्चन आपके लिए बहुत ही लाभकारी होता है। अर्चन प्रयोग बहुत प्रभावशाली, सात्विक और सिद्धिदायक होने वाला, इससे पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ इस उपाय को, इस टोटके को, इस पूरी विधि को करना चाहिए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये छोटे छोटे उपाय और टोटके जो आपको मेरे YouTube चैनल से प्राप्त होते हैं ये निश्चित ही पसंद आते होंगे। आप सभी से बार बार आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल वैभवन। जय दुर्गे। हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमत्कारी टोटकों के टाइमली अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन भी दबाएं, जिससे कोई भी वीडियो या आवश्यक जानकारी आपसे मिस ना हो पाए। धन्यवाद। यदि आप अपनी किसी भी व्यक्तिगत समस्या के लिए मुझसे परामर्श और समाधान चाहते हैं, यानी आप अपनी किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझसे कंसल्टेशन और रेमेडीज चाहते हैं, तो उसके दो तरीके हैं, टेलीफोनिक कंसल्टेशन, फ़ोन पे बात करना, और दूसरा फेस टू फेस यानी पर्सनल मीटिंग के करना। आप हमें फ़ोन के माध्यम से, ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9997241। आपको दो नंबर दे रहा हूँ, इन दोनों नंबर पे व्हाट्सएप अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप करें। 9818300146 ये हमारे ऑफिस का दूसरा नंबर है। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, shama.vaibhava@gmail.com पर, इस पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। मित्रों, आजकल फोन कॉल्स बहुत ज्यादा हैं और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं, फोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं। ऐसे में ईमेल और व्हाट्सएप करना सबसे बेहतर तरीका है। धन्यवाद। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव,
पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल चमत्कारी प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।